Assalamu alaikum. I'm clinical dietitian Ayesha Nasir, currently working at Cosme Studio and Rainbow Obesity Center. आज का हमारा टॉपिक होगा कोल्ड और फ्लू से बचने के लिए हमें क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए. सबसे पहले देखा जाए तो सर्दियों में कोल्ड और फ्लू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अल्लाह ताला ने उसको कोप करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ऐसी डाइट भेजी हुई है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बस हमें इसका आइडिया नहीं होता. वाइटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है. वाइटामिन सी ऑरेंजेस जो कि राउंड द ईयर अवेलेबल नहीं होते बल्कि सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल होते हैं और ऑरेंजेस के अंदर होता है. इसके अलावा अमरूद के अंदर इसका बहुत अच्छा खासा कंटेंट होता है. अमरूद भी आजकल रेडीली अवेलेबल है. इसके अलावा विटामिन सी लेमन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन लेमन हमारे पास यूजली राउंड द ईयर अवेलेबल होता है. विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा. विटामिन सी का इस्तेमाल आप जूसेस के फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप वैसे फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर लेमन है तो उसको आप सैलड के ऊपर स्क्वीज करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. विटामिन सी के अलावा जो चीज़ आती है दैट इज़ विटामिन ई. विटामिन ई नट्स के अंदर यूजली प्रेजेंट होता है. विटामिन ई भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है. अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जितने बाहर के इन्फेक्शन वगैरह हैं उनसे फाइट करने में आपको मदद मिलेगी और आप लेस प्रॉन है टूवर्ड्स ऑल दोज डिजीजेस. तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी इम्यूनिटी पर काम करें बजाय इसके कि एकदम कोल्ड और फ्लू हो गया तो फिर आपको समझ ही ना आए कि आप हमने करना क्या है. फिर एक और चीज़ आती है, वो आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट. वो डाइट जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है. जो डाइट बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगी वो ज़ाहिर आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी और जितने इन्फेक्शन हुए हैं उनसे लड़ने में भी मददगार साबित होगी. एंटी इन्फ्लेमेटरी सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हल्दी है. हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है. इसके बेपनाह फ़ायदे हैं. अगर इवन अगर आपकी स्किन पर कोई कट लग गया आप उस पर भी हल्दी लगाते हो तो वो कट भी ठीक हो जाता है, वो उसको भी हील करने में मदद देती है. तो सोचिए बॉडी के अंदर वो कितने फ़ायदे देगी. कोशिश ये करें कि सर्दियों में जिन लोगों को पता है कि उन्हें फ्लू और कोल्ड ज़रा जल्दी हो जाता है वो कोशिश ये करें कि वो अपनी डाइट में हल्दी का इस्तेमाल खुद ब खुद बढ़ा दें. इसके अलावा गार्लिक एंड जिंजर, लहसुन और अदरक, इन दोनों का इस्तेमाल भी डाइट के अंदर भी बढ़ाया जा सकता है. अब डिटॉक्स ड्रिंक्स भी आ गई हैं. डिटॉक्स ड्रिंक्स के अंदर भी आप लाइक रात को अगर आप जिंजर या गार्लिक पानी में डाल के रख देते हैं आप सुबह राउंड द डे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वो भी आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी थिंग काम करेगा और वज़न भी कम करने में हेल्प करेगा एंड सेकेंडली आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा. जिन लोगों को ये बीमारियाँ लगी रहती हैं और सर्दियाँ आते साथ ही उन्हें फ्लू शुरू होता है जो सर्दियों के एंड तक उनके साथ चल रहा होता है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है. एंड देन स्पिनच का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, ब्रोकली का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें. इनमें भी विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है, दोनों चीज़ों में दोनों मिलकर जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. देन जिंक, जिंक बहुत अच्छा है स्किन नेल हेयर के लिए एज वेल एज इम्यूनिटी के लिए. ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है. जिंक फिश के अंदर प्रेजेंट है. सर्दियाँ आते साथ ही हम फिश का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. फैटी एसिड्स के साथ साथ स्किन ये इसके अंदर जिंक है. जिंक मैंने बताया इम्यूनिटी के लिए अच्छा है. देन ये हमारे जो रोटी चावल अवेलेबल हैं जो हमारे होल ग्रेन जिन्हें हम कहते हैं जिंक, उनके अंदर भी आप कोशिश आपने ये करनी है कि लेस प्रोसेस्ड डाइट ली जाए. लेस प्रोसेस्ड का मतलब ये सफ़ेद आटे की बजाय चक्की का आटा अगर आप लेंगे तो उसमें जिंक ज़्यादा होगा क्योंकि जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट ज़ाया हो जाते हैं. कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ लें जितना हो सके नेचर के करीब और लेस प्रोसेस्ड हो, उसके अंदर जिंक उतना ज़्यादा होगा. इसके अलावा जिंक जो है चॉकलेट्स के अंदर, डार्क चॉकलेट्स के अंदर काफ़ी हद तक अवेलेबल होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है. इसके अलावा जिंक नट्स के अंदर होता है. नट्स का इस्तेमाल जो है वो भी सर्दियों में शायद इसलिए भी हम करना शुरू कर देते हैं. पुराने ज़माने से हिकमत से शायद वो चीज़ चलती आ रही है कि सर्दियों में नट्स का इस्तेमाल हम बढ़ा देते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है. इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन सी चीज़ फ्लू और कोल्ड को फाइट करने में हेल्प करती है तो वो आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी के अंदर अवेलेबल हैं. जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर अवेलेबल हैं. तो कोशिश ये करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए. इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको फिर कोई किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो. तो कोशिश ये करें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का भी इस्तेमाल शुरू कर दें. ब्रोकली एंड स्पिनच के अंदर भी हैं जैसे मैंने बताया. जितने आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें. थैंक यू.